तो भाई मूवी फ्रिक ने जब से ये नोटिस भेजा है 24 लाख का डिफोमेशन केस, तब से मेरे जिंदगी में बहुत सारा परेशानी आना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे दिक्कत फेस कर रहा हूँ। आज आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स जो है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। और ये जो 24 लाख का डिफोमेशन केस है, अल्टीमेटली मुझे घर वालों का बात सुन के यहाँ पे मुझे भी लॉयर के पास अल्टीमेटली जाना पड़ा। पूरा जो सिलसिला है, जो कंडीशन है अभी मेरा, और क्या क्या यहाँ पे मूवी फ्रिक ने अभी भी गलत कर रहा है, इतना कुछ होने के बावजूद भी मूवी फ्रिक आज तक मुझे जो है वो डिफेम कर रहा है अपने फेसबुक पेज पे, अपने यूट्यूब पेज पे, तो उसके बारे में भी मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। साथ ही साथ लॉयर से मैंने किस तरह से बात किया और लॉयर ने मुझे क्या कहा, अल्टीमेटली ये जो 24 लाख का डिफोमेशन केस है उसमें क्या होने वाला है, सारा कुछ आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर करूंगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, आप लोगों का जो भी फीडबैक होगा, जो भी सजेशन होगा, वो डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे देना, क्योंकि मैं आप लोगों का सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ और उसके ऊपर भी मेरा जो डिसीजन है वो बहुत डिपेंडेंट है। इनिशियली तो मुझे लग रहा था कि ये जो डिफोमेशन का केस है उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे जैसे मेरे रिलेटिव लोगों को पता चलने लगा, मेरे घर वालों को पता चलने लगा, तब से जाके मुश्किल जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये डिफोमेशन का केस है, बाद में इसमें कोई भी इशू नहीं होगा और यहाँ पे मैं अपनी जगह पे 100% ट्रू हूँ, लेकिन घर वालों को ये समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। तो मेरा यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और आप लोग ये सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। कोई चोर मान लीजिए कि अगर चोरी करता है और बाद में सारा का सारा सामान, जितना भी उसने रुपया लूटा है, वो सारा वापस कर देता है, तो क्या उसे चोरी कहा जाएगा, क्या उसे चोरी नहीं कहा जाएगा। सेकेंड नंबर मेरा क्वेश्चन ये है कि मूवी फ्रिक ने जिस तरह से मुझे कंप्लीटली पैसे को रिफंड कर दिया, लगभग 17-18 दिन बाद पैसा कंप्लीट रिफंड हो गया, और मैं ये चीज़ सारे वीडियो में कवर किया हूँ कि मुझे कंप्लीट पैसा रिफंड मिल गया, लेकिन देर से मिला, इसलिए मैं वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा और इसलिए मैं वीडियो को नहीं हटाऊंगा। क्योंकि यही अगर कोई नॉर्मल लोग होता, मूवी फ्रिक पैसा वापस नहीं करता, और अगर मूवी फ्रिक अभी भी हाँ कर दे कि जितने लोगों के साथ प्रॉब्लम हुआ है सबको पैसा वापस कर देगा, तो मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा। ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर लगभग 50 से 60 अभी भी DM पड़ा हुआ है, DM आ चुका है, जिन लोगों के साथ ये घोटाला हुआ है। केवल बैटरी बूस्टेड का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम हुआ है जो कि लोगों ने मुझे बताया। उन लोगों ने कौन सा फ़ोन लिया था, कौन सा डेट को लिया था, कितने प्राइस को लिया था, सारा डिटेल्स मेरे पास है। तो क्या मूवी फ्रिक अगर मुझे पैसा रिफंड कर सकता है अगर प्रॉब्लम आने पे, तो क्या सारे लोगों को पैसा रिफंड कर सकता है? कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी स्कैम हुआ है कि फ़ोन उसने ले लिया है और फ़ोन लेने के बाद, बाद में जब उसने गेमिंग किया, जब कैमरा यूज किया, तो फोन बहुत ज्यादा हीट होने लग गया। केवल एक दिन बाद मूवी फ्रिक को यहाँ पे फोन लौटाने, रिटर्न करने पहुंच गया। मूवी फ्रिक ने क्या किया, 2000 रुपया पैसा काट लिया और उसके बाद उसको बाकी पैसा रिफंड किया। थर्ड मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मूवी फ्रिक ये कहता है कि कभी भी फोन बूस्टेड नहीं होगा, कभी भी फोन उन लोगों का रिपेयर वाले कंडीशन में नहीं होगा, लेकिन मेरे पास ऐसा भी मैसेज है कि 2023 में कोई फोन लिया है, कोई 2022 में फ़ोन लिया है, कोई 2021 में फ़ोन लिया है, उन लोगों को भी बैटरी हेल्थ बूस्टेड देखने को मिला। और मेरा बात केवल इसीलिए माना गया क्योंकि YouTube के ऊपर उन लोगों का बहुत ज़्यादा इससे बदनामी हो रहा था। बाकी यहाँ पे किसी भी लोगों को इन लोगों ने रिफंड नहीं किया। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं 2-4 लोगों का यहाँ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे स्कैम जो है वो केवल मेरे साथ नहीं हुआ है, और भी लोगों के साथ हुआ है। फोर्थ नंबर मेरा ये क्वेश्चन है कि बिना बिल को अगर किसी को फोन को भेज दिया जाता है, मे भी वहां पे कुछ गलती होने के कारण बिल को नहीं दिया जाता है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उसको एक दिन बाद, 2 दिन बाद, या तो 7 दिन के अंदर व्हाट्सएप पे एक कम से कम GST बिल दे दिया जाए? क्योंकि अगर उसके पास बिल नहीं होगा, बाई चांस अगर कुछ भी यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी होगा, तो बाद में वो पकड़ा जाएगा और अल्टीमेटली वो प्रूफ भी नहीं कर पाएगा कि उसने फोन कहीं से लिया है। तो यहाँ पे मूवी फ्रिक वालों क्या छुपाना चाह रहा है? क्या वो लोग अपना इनकम टैक्स को बचाना चाह रहा है? क्या वो लोग ऐसे कोई फोन बेच रहा है जिसमें बिल अगर वो लोग दे देगा तो कहीं ना कहीं वो लोगों का गलती दिखा जाएगा, कहीं ना कहीं वो लोग भी फंस सकता है? तो बिल यहाँ पे केवल ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिला है, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बिल नहीं मिला,
उसका भी प्रूफ मेरे पास है जो कि मैं संभाल के रखा हूं। अगर बाय चांस मुझे बहुत सारा प्रूफ यूज करना पड़े तो मैं बहुत सारे प्रूफ को यूज करूंगा। फिफ्थ नंबर मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, जब भी कोई एक सेकेंड हैंड सेलर कोई भी सेकेंड हैंड मोबाइल, चाहे वो आईफोन हो चाहे वो एंड्रॉयड हो, बेच देता है, तो उसके बाद दुकानदार का कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? क्या एक दिन का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है? क्या कम से कम एक महीना का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलता है? यहाँ पे कलकत्ता में बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जहाँ पे आपको एक दिन का भी वारंटी नहीं मिलता है। तो क्या उन लोगों को अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक दिन भी भरोसा नहीं है? अगर मेरे प्रोडक्ट में भरोसा होगा तब मैं इस फोन को एक महीना वारंटी में दे सकता हूँ। अगर मेरा प्रोडक्ट में मेरा भरोसा ही नहीं होगा तब मैं वारंटी नहीं दूंगा। ऐसा बहुत सारे शॉप है, बहुत सारे शॉप ओनर है जो कि एक दिन का भी आपको वारंटी नहीं देता है। आज अगर आप फोन दुकान से लेके जा रहे हो, कल अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो दुकानदार आपको डायरेक्टली यहाँ पे ना कर रहा रिफंड देने के लिए। तो जैसे कि दूसरे सारे वेबसाइट आपको वारंटी देता है, जैसे कि अगर हम लोग सेल बडी की बात करें, 6 मंथ का वारंटी मिलता है, केसीफाई में 6 मंथ का वारंटी मिलता है, अवंटिका में आपको 1 ईयर का वारंटी मिलता है। जब ये लोग भी सेकेंड हैंड फोन ही सेल कर रहा है और 6 महीना 1 साल का वारंटी दे रहा है, तो क्या पॉसिबल नहीं है जितने भी सारे सेकेंड हैंड सेलर है वो कम से कम अपने प्रोडक्ट के ऊपर 1 महीने का वारंटी दे? बहुत कोई आपसे कह रहा है कि 7 दिन का आपको चेकिंग वारंटी मिलेगा, तो ऐसा कोई चेकिंग वारंटी नहीं है। आप लोग पेपर में लिखवा लो इस चीज को, तब जाके इस चीज को विश्वास करना। अदर केसेस में ये वारंटी जो वर्बल वारंटी होता है उसका एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है। मेरे पास अभी फिलहाल कुछ मैसेजेज आ रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कोई भी लोग यहाँ पे मूवी प्रिक के पेज के ऊपर कुछ भी बोल रहा है कि अपने प्रोडक्ट खराब दिया, आप अच्छा क्यों नहीं प्रोडक्ट दे रहे हो, जो यूट्यूबर ने फीडबैक दिया उसके ऊपर आप पॉजिटिवली काम क्यों नहीं कर रहे हो, हर एक को यहाँ पे ब्लॉक किया जा रहा है। और ये लोग, इतने लोगों को ब्लॉक किया, कम से कम 10-12 मैसेज तो मेरे पास ही आया कि वो लोगों ने कुछ कहा और वो लोगों ने ब्लॉक कर दिया। कुछ लोगों को यहाँ तक वो लोग रिप्लाई दे दिए कि एक्चुअल में ये जो गलती है वो मेरा ही है, उन लोगों के एंड से कुछ भी गलती नहीं हुआ है। यहाँ पे आप लोग एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे नाम ब्लर कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग देख सकते हो। ये लोग ये कह रहा है कि अगर स्कैम इन लोगों को करना ही होता तो वो लोग मेरा वीडियो डिलीट करवा देता यूट्यूब को बोल के। यूट्यूब में ट्रेडमार्क लाइसेंस का कुछ नाम है जो करके ये लोग मेरा वीडियो ही डिलीट कर देता, मुझे 24 लाख का यहाँ पे डिफोमेशन केस नहीं देता। 2 वीडियो अगर आप डिलीट करवा सकते हो तो वही करा देते, 24 लाख डिफोमेशन केस देके क्या फायदा? अगर आपको 24 लाख ही पाना है तो आप अपना बिजनेस अच्छे से करो, आपका 24 लाख 1 साल में बन जाएगा। आपको एक ही दिन में 24 लाख कमाना है, इसीलिए तो आपने डिफोमेशन का केस दिया है। अल्टीमेटली मेरा कहना यही है मूवी प्रिक से कि अगर आपने गलती किया है तो उस चीज को आप मान लो कि हाँ, हमारे एंड से गलती हुआ है और हमने खराब प्रोडक्ट दिया था, हमने बिल नहीं दिया था, तभी जाके ये चीज सॉल्व हो सकता है। अदर केसेस में इस तरह का अगर आप लीगल डिफोमेशन का केस कर सकते हो तो उसके अगेंस्ट में मैं भी बहुत तरह का आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। ऑलरेडी मैंने अपने लॉयर के साथ बात कर लिया है और अल्टीमेटली अगर मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पे रहेगा तो उस केस में मूवी प्रिक मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही एक प्रूफ है जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि मुझे एक्चुअल में खराब प्रोडक्ट मिला है। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से भी इस बारे में बात किया, क्या मुझे बाद में पैसा रिफंड होने के बाद वीडियो डिलीट करना चाहिए? तो सबने यहाँ पे मुझे कहा कि वीडियो डिलीट नहीं होगा, चाहे आपको रिफंड मिल जाए चाहे आपको कुछ भी मिल जाए, आपको वीडियो डिलीट नहीं करना है, क्योंकि वही एक वीडियो है जहां से बाकी लोगों को पता चल सकता है कि ऐसे कुछ हो सकता है। तो ये वीडियो रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी वीडियो से सोशल अवेयरनेस जो है वो बढ़ेगा। तो वीडियो तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, बाकी यहाँ पे मैं लॉयर से बात किया हूँ, उन्होंने कहा है कि हम लोग एक ग्रुप केस कर सकते हैं, जिसमें से लगभग मेरे पास 10-12 लोग ऑलरेडी हो चुका है, जिन लोगों ने मूवी प्रिक से फोन लिया है उन लोगों को प्रॉब्लम हुआ है और आफ्टर सेल सर्विस कुछ भी नहीं मिला है। अल्टीमेटली वो लोगों को फोन रिटर्न भी नहीं लिया गया, रिफंड भी नहीं दिया गया। तो ऐसे मेरे पास ऑलरेडी 10-12 लोगों का लिस्ट है जो कि मैं डायरेक्टली उन लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप में हम लोगों का ग्रुप भी बन चुका है, अगर जरूरत पड़ा तो इन ग्रुप में हम लोग यहाँ पे केस कर सकते हैं। टोटल चीजें जो है वो मेरे पास एज ए प्रूफ रखा हुआ है, मैं वीडियो में हर एक चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं सारा चीज कोर्ट में सबमिट करने के लिए रेडी हूं। तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बाकी आप लोगों का फीडबैक देना ना भूलना कि इस सिलसिले में मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट वीडियो, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।